पंचकुला नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचारों का लगातार भांडाफोड़ किया जा रहा है, लगातार पंचकुला में जो नगर निगम में भ्रष्टाचारों की एक लंबी फहरिस्त बनती चली जा रही है। पंचकुला विकास मंच के सदस्यों द्वारा इस फहरिस्त के एक एक भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया जा रहा है, लेकिन मेयर कुलभूषण गोयल और विधायक और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चुप्पी साधी हुई है। आखिर किस तरह के भ्रष्टाचार चल रहे हैं पंचकुला नगर निगम में और इन भ्रष्टाचारों पर पंचकुला विकास मंच के सदस्यों का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। सर, ऐसा है, हम पिछले लगभग 3 महीने से लगातार नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं और जो भी हमारे मुख्य मुद्दे थे, जो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप में हमने लिया वो कोरोना काल में दाह संस्कार को, क्योंकि लोग दाह संस्कार को एक दान मानते हैं, एक अच्छा कर्म मानते हैं, और नगर निगम के अधिकारियों ने तो उसको भी नहीं बख्शा। यहाँ के दाह संस्कार पर भी जो पैसा मिलना था उसमें भी गड़बड़ियाँ कर दी, करीब करीब 60 से 65 लाख रुपए का घोटाला, उसके साथ साथ संस्कार के साथ साथ लकड़ी का घोटाला, 3000 क्विंटल लकड़ी के हरियाणा सरकार ने फ्री दी, 1000 टन जो है वो वहाँ पिंजौर में दी गई, मगर ये 4000 टन लकड़ी ये सारी की सारी गायब कर दी गई, जबकि सिर्फ मात्र 400 आदमी का संस्कार हुआ। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी के संस्कार पे 1 टन लकड़ी लग जाए, 1 टन में कम से कम 4 आदमियों के संस्कार होते हैं। तो मतलब ये हर तरह से घोटाले कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस अधिकारी ने हमें विश्वास था उसने रिपोर्ट दी, जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया, उसने 5 से 6 अभियुक्त बना दिए कि भी इन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको रिकवरी लेटर भी दे दिए, मेयर साहब ने भी अपना नंबर बनाने के लिए अखबार में दे दिया कि जी मैंने जाँच करवाई है, उधर ज्ञानचंद जी हमारे विधान MLA साहब हैं, उन्होंने भी अखबार में फ़ोटो छपवा दी कि जी मैंने जाँच करवाई है। ये जांच तो करवा दी, कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई के नाम पे वो मुंह मोड़ लेते हैं, मेयर कहता है, मेयर जी कहते हैं जी हमें तो पता ही कुछ नहीं है इसके बारे में। अब जब हम कल 2 दिन पहले मिले मेयर साहब से तो उनकी एक ही बात है कि मुझे कुछ पता नहीं है, जब हम कोई दबाव डालते हैं तो कहते हैं मेरे पास कोई पावर नहीं है, आप नीचे चले जाओ कमिश्नर साहब से बात कर लो, और दूसरी तरफ आदेश भी इन्हीं के चल रहे हैं, हर तरह के आदेश, या तो इनको नॉलेज नहीं है भी इनकी कुर्सी की पावर क्या है, ये क्या कर सकते हैं, या फिर जान के ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं पंचकुला विकास मंच की तरफ से, या हम पंचकुला विकास मंच के सभी सदस्य, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, रिकवरी नहीं होती, या ये पेमेंट्स जैसे घोटाले सामने नहीं आते हैं, फोगिंग मशीन का जो है सबसे बड़ा है कि उसमें पेमेंट नहीं जानी चाहिए, हमने आज भी कहा है, तो अगर इस तरीके के जो काम है वो रोकने चाहिए इन लोगों को, और जो इसकी जॉइंट कमिश्नर साहब की विनेश जी की तबादला किया है वो एक षड्यंत्र, महाषड्यंत्र था, जिसमें इन्होंने एक गलत न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर के उन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये टावर के आदेश दिए, और मैं चैलेंज से कहता हूँ ना तो उन्होंने कोई ऐसा आदेश दिया, ना उन्होंने किसी गलत आदमी के लिए ये कहा कि भी इसका कनेक्शन जुड़वा दो, और पेपर में साफ साफ लिखा है कि पेमेंट नहीं हुई और आदेश दे दिए गए, और पेमेंट हो चुकी है, उनके ड्राफ्ट नंबर, उनकी पेमेंट जितनी भी हुई है वो सारी की सारी पेमेंट की रसीदें मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर कोई अधिकारी इसको झूठ साबित कर दे तो हम दोबारा इस तरीके की जो है, पर जो भी इन्होंने किया है एक ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफर वो बिल्कुल गलत। वैसे तो अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार तो किसी भी तरह का हो, हम हर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ हद ही कर रखी है, मतलब जिसको कह लो कि हर फाइल एक भ्रष्टाचार है नगर निगम में आज की तारीख में, जब से ये नई हमारी कमेटी आई है चुनकर मेयर साहब और पार्षद लोग, तब से इन्होंने मनमानी करके अपने हिसाब तरीके से काम करना शुरू कर रखा है, और लगातार फिजूल खर्ची, फिजूल के काम जो शहर को लोगों को नहीं चाहिए और जो चाहिए उनमें भी घोटाले करते जा रहे हैं।
हमने अभी कुछ ही समय पहले 4-5 महीने पहले बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है, जो हमें पता चला था कोरोना से मरने वाले लोगों का यहाँ दाह संस्कार किया जा रहा था पंचकुला में। उसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 2,000 रुपया पर बॉडी पर पर्सन 5 लोगों की टीम बननी थी। इस 5 लोगों की टीम में भी शमशान घाट के लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी इंक्लूडेड हैं एज पर द नोटिफिकेशन, लेकिन इन्होंने उसको भी गोलमाल कर रखा है। एनीवेज उसको जो पैसा मिलना था, जब उस पैसे की यहाँ पे बंदर बांट शुरू हुई, हमें पता चला 1 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने उसकी लिस्ट बना दी, जबकि पंचकुला में 377 लोगों की कोरोना से ऑफिशियल डेथ दिखाई गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और नगर निगम के रिकॉर्ड के द्वारा। इतना ही नहीं, इन्होंने लिस्टों में अपने ऐसे लोगों के नाम डाल दिए जिनको पैसे इतने ज़्यादा देने का बना लिया, उससे आपस में बंदर बांट तर सकें। हमने इमीडिएटली जैसे ही पता चला, कमिश्नर साहब को तुरंत चिट्ठी दी लिख के कि इसको रोका जाए और इसकी तुरंत जांच कराई जाए। उन्होंने शुरू में तो आनाकानी की, लेकिन हमारे दबाव के कारण 2-4 दिन जब हम आते रहे, उनसे उनके ऊपर प्रेशर डालते रहे, तो उनको जाँच करवानी पड़ी। उन्होंने तुरंत जाँच जॉइंट कमिश्नर मिस्टर विनेश कुमार जो थे यहाँ पर, उनको दे दी। उन्होंने इतनी गंभीरता से उसकी जांच की है कि शायद कोई और ऑफिसर होता तो इतनी गंभीरता से जांच नहीं करता। उन्होंने हर व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसका नाम लिस्ट में है, जिसको पैसे चले गए, जिसको पैसे जाने थे, उनसे बातचीत की, शमशान घाट के पंडित पुरोहित से बातचीत की, स्वास्थ्य विभाग का रिकॉर्ड देखा, शमशान घाट का रिकॉर्ड देखा, सारा कुछ पता करने के बाद उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हाँ, ये बहुत बड़ा एक घोटाला होने जा रहा था। इसमें 370 लोगों की डेथ बनती है और जो लोगों के नाम इसमें डाले गए हैं वो फर्जी नाम डाल दिए हैं ताकि पैसा गबन किया जा सके। वो रिपोर्ट इन्होंने कमिश्नर साहब को दे दी। हम कमिश्नर साहब के पास गए तो वो कहते हैं रिपोर्ट बन गई है, मेरे पास आ गई है, हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, 1-2 दिन का टाइम दो। हमने कहा कोई बात नहीं, हम 2 दिन के बाद आ जाएंगे। हम 2 दिन के बाद फिर उनके पास गए तो पहले तो आनाकानी सी करने लगे कि नहीं नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है, देखते हैं करते रहे, लेकिन हमने कहा कि हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं जब तक आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे। रिपोर्ट के अनुसार हम रिपोर्ट के अनुसार ही कार्रवाई मांग रहे हैं आपसे, और कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने अगले दिन जब हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसकी रिकवरी के ऑर्डर कर देता हूँ। हमने कहा ठीक है, आप रिकवरी के ऑर्डर कर दीजिए। उन्होंने उसके बाद रिकवरी के नोटिंग कर दी फाइल के ऊपर, ऑर्डर नहीं निकाले, रिटर्न ऑर्डर नहीं निकाले, नोटिंग कर दी और आगे रिकवरी के लिए लेटर इशू हो गए। तो सर, जैसे आपने कहा कि जांच शुरू हो गई थी, लेकिन जो जांच अधिकारी था उसका तबादला करा दिया गया, आप क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में? ये तो हमें उसी दिन, जिस दिन जांच रिपोर्ट का हमें पता चला कि जांच रिपोर्ट आ गई है और उसमें बहुत बड़ा घपला दिखा दिया गया है कि हाँ ये हुआ है, और पूरी जान पहचान, मतलब जान क्या कहते हैं उसको, प्रस्तुत करके पूरी गहराई में जाकर जांच कर हम समझ गए थे कि ये ऑफिसर यहाँ टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नेक्सस बना हुआ है नगर निगम में, बहुत मजबूत नेक्सस है, इनको ऊपर से शय मिली हुई है, इनको कोई बहुत बड़ा ऑफिसर या पॉलिटिकल पर्सन बचाने वाला है जो कि इनको बचा रहा है। जो मर्जी गलत करी जाओ, कोई नहीं कुछ कहेंगे, हमको जितनी मर्जी कंप्लेंटें आ जाएं। हमें लगता है ये ऑफिसर की ट्रांसफ़र इन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा रची है, क्योंकि हमने एक अखबार में खबर पढ़ी थी कि कोई मोबाइल टावर और मोबाइल केबल्स के ऊपर कोई एक्शन लेना था, उसके ऊपर ये छुट्टी पे चले गए, इन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसके कारण गड़बड़ी हो गई और इसलिए उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई। लेकिन ये झूठ है, हमारे पास इसके भी सबूत हैं कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि न्यूज़ में लिखा हुआ था। इसलिए ये जांच के कारण ही, और आगे जांच ऐसे गड़बड़ी चलती रहे उसके कारण, और ये जो गड़बड़ी हुई है, जो घोटाले हुए हैं,
इसको भी दबा लिया जाए, इसलिए उस ऑफिसर का यहाँ से तबादला कर दिया। देखिए, जितने भी घोटाले शुरू से चलते आ रहे हैं, अभी तक तो उनकी जांच प्रॉपर ढंग से नहीं हुई, और जिस घोटाले की जांच हुई है उसमें जिस भी ईमानदार अधिकारी ने, क्योंकि नगर निगम में शुरू से ये चलता आ रहा है, जब से हमारे ज्ञानचंद जी MLA हैं और विधानसभा स्पीकर हैं, नगर निगम नहीं, पंचकुला के अंदर किसी भी विभाग में, चाहे वो संपदा विभाग हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर कोई ईमानदार आदमी आ जाए और इनकी बात ना माने तो उसको दूसरे दिन ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये इनका शुरू से रवैया रहा है, और इनके काम जो हैं ये सारे दो नंबर की फाइलें, दो नंबर के बिल गलत पास करवाते हैं। जो अधिकारी नहीं करेगा उसका तबादला होना ही होना है। अब भी यही बात कह रहा हूँ कि जो कोरोना काल में घोटाला हुआ करोड़ रुपये का, उसमें 60 से 65 लाख रुपये का घोटाला स्पष्ट हो गया था, जबकि 35 लाख की पेमेंट बनती थी, इन्होंने 1 करोड़ रुपये की लिस्ट बनाई। अब उस पेमेंट का भुगतान करने के लिए एक ये फोगिंग मशीनें, पहले से 40 मशीनें थी, फोगिंग मशीनें मंगवा ली, गलत कोटेशंस भी ठीक नहीं, और जिन कोटेशन से पे मंगवाई हैं उन कोटेशन से माल नहीं मंगवाया गया, उन दुकानदारों से जिनके आदेश हुए किसी नई फर्म से मंगवा लिया, और इसका सीधा का सीधा लिंक हमारे MLA साहब के किसी रिश्तेदार का है, जिसकी वजह से उस आदमी की पेमेंट हमने रुकवा दी। ईमानदार अफसर ने ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई ये गलत खरीदी है, ये 25-30 हज़ार की मशीन 82 हज़ार में खरीदी है, ये क्यों खरीदी है। उसके ऑब्जेक्शन पर उस पेमेंट को करवाने से, मैं तो साफ लफ्जों में कह दूंगा, चाहे तो इसको गुंडागर्दी कहो चाहे इसको धमकी देने के बाद भी, उस आदमी की ट्रांसफ़र देखिए हरियाणा सरकार की करती है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है, रूटीन में भी होती हैं, पर ट्रांसफ़र करने से पहले एक षड्यंत्र रचना, उस अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र रच लिया, एक पत्रकार को यहाँ बुला करके झूठी खबर दे दी कि जी पेमेंट नहीं हुई है उनकी टावर्स की, और बिना पेमेंट के उसके कनेक्शन जोड़ने के आदेश दे दिए, जबकि तीनों टावर्स को जिनको नोटिस दिए गए थे उनकी पेमेंट हो चुकी है 30 तारीख को, उनके ड्राफ्ट नंबर्स वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा। पेमेंट होने के बाद है कि भाई इसमें आदेश दे दिए जोड़ने के, और इस अधिकारी के कोई आदेश भी नहीं है। ये सारा का सारा खेल इन्होंने सिर्फ उसकी ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ बैठ करके अपने कमाऊ पुत्र के साथ सलाह मशवरा करके वो किया है। मैं आपको बता दूं, एक नगर निगम में एक DMC की पोस्ट बना रखी है, वो इनका कमाऊ पुत्र है, हमारे विधानसभा स्पीकर का, उनके रिश्तेदारों का भी, और हमारे मेयर इसने तो कह ही दिया था, हमारे कमिश्नर साहब ने, कि वो एक हमारा कमाऊ बेटा है। कमाऊ बेटा ये है, खुद खाओ और बेटे हमें खिलाओ, अगर ये चाहते हैं। अब फोगिंग मशीनों का जो मामला आपने उठाया था, ये सारा उसी का जाल, मतलब के जालसाज बिछाई थी। पेमेंट कई बार मांगी गई, उस अधिकारी ने नहीं दी, और उसका तबादला करवाना ही था, वो तो हमें लग रहा था। और कोरोना काल में जो हमने मुद्दा उठाया, जिस अधिकारी ने किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ ज्ञानचंद जी से, ये DMC पे कितने आरोप हैं, करोड़ों के घोटाले हैं, इसको क्यों नहीं बदलते, क्योंकि ये कमाऊ पुत्र है, वो निकम्मा था, क्योंकि वो उनको कमा के नहीं दे रहा था और ना वो खुद कमा रहा था। तो सबसे बड़ी बात है, अब भी हम इतने में शांत नहीं है, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, कोरोना काल वाले जितने भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता, जिन लोगों ने लिस्टें बना करके 1 करोड़ रुपए की लिस्टें बनाई हैं, चाहे वो कमाऊ पुत्र है चाहे निखट्टा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वो सलाखों में नहीं जाते। पंचकुला विकास मंच लगातार नगर निगम के द्वार पे रोज़ाना आएगा, बैठेगा और अपनी डिमांड को रखेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। पंचकुला नगर निगम में सिर्फ उसी की जगह है जो कमाऊ पुत्र है, जो कमाऊ पुत्र नहीं है उसके लिए बाहर के रास्ते नगर निगम के बड़े अधिकारी द्वारा खोल दिए जाते हैं। पंचकुला विकास मंच ने यह भी कहा है कि जब तक ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये भ्रष्टाचार जड़ से खत्म नहीं हो जाता। कुलभूषण मेयर भूषण गोयल जो कि मेयर है पंचकुला नगर निगम के, और ज्ञानचंद गुप्ता जो कि विधायक हैं यहाँ के, उनका क्या जवाब आता है, या ऐसे ही वो चुप्पी साधे रहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ें क्योंकि जो शुरू हो चुकी हैं उन जड़ों को अगर हटाया जा रहा है तो कैसे हटाया जा रहा है, क्या इस बारे में ज्ञानचंद गुप्ता को नहीं पता या मेयर को नहीं पता कि पंचकुला नगर निगम में एक भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत
मजबूत होती चली जा रही है। अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता, और अगर पता है तो फिर वो जड़ें क्यों नहीं काटी जा रही, इसका जवाब लेने के लिए हम सीधा संपर्क करेंगे कुलभूषण गोयल से और ज्ञानचंद गुप्ता से। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।